साल 2021 की जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड कॉलम की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन आज दिल्ली में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। सरना धर्म कोड की मांग कर रहे आदिवासी संगठनों ने इस आंदोलन का नाम दिल्ली दस्तक रखा है। सभी आदिवासी संगठन आज जंतर मंतर पर सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर सत्याग्रह करेंगे। इसमें झारखंड समेत कई राज्यों से आदिवासी पहुंचेंगे। कार्यक्रम में महिलाएं लाल पाड़ की साड़ी और पुरुष प्रतिनिधि सफेद शर्ट सरना गमछा और सफेद धोती में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सभी को सत्याग्रह में सरना झंडा भी लाने को कहा गया है। तो आज परंपरागत पोशाक में महिला और पुरुष कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। झारखंड के कई राज्यों से आदिवासी यहां पर पहुंचेंगे। इस आंदोलन का नाम दस्तक रखा गया है। और अमर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमर, 2021 की जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग अलग सरना धर्म कोड कॉलम की मांग को लेकर विभिन्न जगहों से आदिवासी संगठन जो है आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। और खास बात ये भी बताई जा रही है कि सभी परंपरागत ड्रेस में होंगे वहां। बिल्कुल, देखिए उनका जो कोड है उस कोड के अनुसार ही वो चलते हैं और सभी लोगों को ये कहा गया था कि इस कोड में आप पहन करके ही यहाँ पे आए। कहा ये जा रहा है कि जिस तरह से सरना धर्म कोड को लेकर के लगातार पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के पास और तमाम जो जनजातीय डिपार्टमेंट के मुखिया हैं यानी अर्जुन मुंडा जी जो मंत्री हैं उनको भी इस बात को सूचित किया गया है। उनका ये भी कहना है कि झारखंड सरकार से उनका कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनका वो विरोध करते हैं क्योंकि वो खुद विधानसभा में पास करा करके वो दिल्ली भेज दिए हैं और केंद्र सरकार के पास है। अब केंद्र सरकार हमें एक जाति कोड जो मांग की जा रही है वो दे दे, उसके बाद जो है हम अपना जो काम है वो अपना करेंगे क्योंकि यही इसी दबाव बनाने के लिए आज झारखंड ही नहीं तमाम देश के जितने भी जो आदिवासी संगठन है या आदिवासी लोग हैं जो इन सरना धर्म कोड को मान्यता दिलवाने की मांग कर रहे हैं वो सभी लोग जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं, खास करके क्योंकि नेतृत्व झारखंड कर रही है और झारखंड के ही तमाम जो लोग हैं यहाँ पर ज्यादा संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं तो उनका यही मांग है कि सरना धर्म कोड को राज्य सरकार ने जो पास करके विधानसभा में भेजा है केंद्र सरकार उसकी मान्यता दे, नहीं तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और हो सकता है कि वो संसद को, क्योंकि संसद शीतकालीन सत्र चल रहा है, संसद को भी जो है वो घेराव कर सकते हैं। बिल्कुल, और खास बात ये कि एक नाम भी रखा है, दस्तक नाम रखा है। ये दस्तक कहाँ दी जा रही है, केंद्र सरकार पे दी जा रही है या ये दस्तक बदलाव की बयार की है? देखिए, इसको आप दोनों एंगल से अगर आप देखें तो दस्तक का मतलब है कि सभी जो देश के झारखंड प्रदेश से दिल्ली आना यानी दिल्ली में वो दस्तक दिए हैं, केंद्र सरकार इस बात को मान्यता नहीं दे रही है, उसके 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 मुहाने पे जो है वो दस्तक दिया है और वो चाहते हैं कि इस कोर्ट को मान्यता दे, धरना धर्म कोर्ट के सरना धर्म कोर्ट की जो है वो मान्यता दे तभी जाकर के जो है वो शांति से बैठेंगे। यानी उनका एक शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन है और वो चाहते हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए और पहली बार नहीं है या फिर कह सकते हैं कि ये पहली बार जंतर मंतर पे नहीं आए, इससे पहले भी कई बार वो आ चुके हैं और उनका यही है कि दस्तक यानी पार्लियामेंट के बाहर दस्तक देंगे। दस्तक मतलब जो है उनका कोड को लागू कराने के लिए वो है, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए दस्तक देंगे। दस्तक का मतलब ये है कि दिल्ली यानी जंतर मंतर जहां आम लोग अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए सरकार को दबाव बनाने के लिए जो दस्तक देते हैं, दस्तक का मतलब ये है। इस वजह से दिल्ली में वो दस्तक दे चुके हैं, अब केंद्र सरकार के सामने वो दस्तक देंगे और अपनी मांग को रखेंगे। बिल्कुल, इसमें देखिए झारखंड के समेत कई राज्यों से आदिवासी पहुंचेंगे, लेकिन खास बात ये समझना चाहेंगे अमर कि परंपरागत पोशाक में पहुंचने की के पीछे क्या वजह है? बिल्कुल, इसकी वजह साफ है, एक यूनिटी है और पोशाक का मतलब है कि एक रंग में हम जो रंग दिख रहे हैं हम सब साथ हैं
और हम सब की मांगे है, किसी एक व्यक्ति की मांगे नहीं है। और पोशाक का मतलब ये होता है कि हम यूनाइट हैं, हम एक हैं, यूनाइट हैं और हम लड़ सकते हैं। और हमारी मांग को अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारा अधिकार है, जो हमारी मान्यता है, जो हमारी संहिता है। क्योंकि वे ये भी दिखाना चाहते हैं कि पगड़ी जो उनका उनके पास जो था वो बिल्कुल व्हाइट कलर और रेड कलर का था, कि वो सर में बांध करके वो आए और उसके बाद उनका ऐलान थे कल। क्योंकि इस तमाम चीजों की रणनीति बनाने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी जो शांति पीस फाउंडेशन से, उसमें सभी लोग एकत्रित हुए थे। उसके बाद यह तय किया गया कि जंतर मंतर पर दस्तक देनी है और एक यूनिफॉर्म में, यानी एक यूनिफॉर्म का मतलब बिल्कुल एक है कि हम यूनाइट हैं और हम लड़ाई के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे। जो हमारा अधिकार है शांतिपूर्ण धरना देने का, प्रदर्शन करने का, वो हम देंगे। और सरकार को विज्ञापन भी देंगे कि आप अगर हमारे इस मांग को पूरा नहीं करेंगे तो हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। बिल्कुल, हमारा अब ये देखना होगा जो दस्तक देने ये पहुंचे हैं उस दस्तक से क्या केंद्र के दरवाजे खुलेंगे या बंद ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन है आज जंतर मंतर में, परंपरागत पोशाक में यहां वो पहुंचेंगे। और इस आंदोलन का उन्होंने एक नाम दिया है, वो नाम है दस्तक। और कई राज्यों से, झारखंड समेत कई राज्यों से आदिवासी यहां पहुंचेंगे सरना धर्म कोड की मांग को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।